पोटका के हल्दी पोखर में शुक्रवार के दिन रामनवमी जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया। इसमें पोटका के मुखिया देवी कुमारी सीओ समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। अखाड़ा समितियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तनाव देख यहां बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बाद में मामले को शांत कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जैसे ही जुलूस हल्दी पोखर रंगकरी मंदिर के सामने पहुंचा, झंडा 30 फीट लंबा होने के कारण आगे का भाग टूट गया। इसके बाद अखाड़ा समिति के लोग आक्रोशित हो गए, तब प्रशासन ने जुलूस को रोक दिया। उसी दौरान एक समुदाय विशेष के कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पत्थरबाजी की, जिसमें मुखिया समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मामले को शांत कराया है। सिटी एसपी ने बताया कि दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हल्दी पोखर में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी विसर्जन निकाली गई थी। क्रम में झंडा टूट गई थी, जो कि पुलिस और पब्लिक का टू टू मैं के क्रम में विपरीत ओर से पत्थर चलने लगी। और पत्थर चलने के बाद हमारे जो हल्दी पोखर के मुखिया जी है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। और ऐसे कई लोगों को पत्थर लगा है जो कि थोड़ा बहुत घायल है, लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए। जो भी असामाजिक तत्वों के लोग हैं वो सभी को चिन्हित कर कार्य लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।